क्या सुशांत को ऑफर की गई थी संजय लीला भंसाली की 3 बड़ी फिल्में? आखिर क्यों नहीं दिख पाए सुशांत संजय लीला भंसाली की फिल्मों में? किस वजह से नहीं कर पाए भंसाली और सुशांत साथ काम? आइए बताते हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में दी है। काईपोचे से लेकर छिछोरे तक उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही है। पैसों और काम की कमी नहीं होने के बावजूद उनका यूं दुनिया छोड़कर चले जाना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि छिछोरे के बाद सुशांत के पास कई फिल्मों के ऑफर्स थे, लेकिन रिपोर्टेडली एकाएक उनके हाथ से ये सारी फिल्में चली गई थी। सुशांत के काम के मामले को लेकर फिल्म क्रिटिक सुभाष झा ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के पास कई फिल्मों के ऑफर्स थे, लेकिन वो खुद ही इन सबको रिजेक्ट कर रहे थे। फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद सुशांत के साथ उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। सुभाष झा ने एक और बड़ा खुलासा किया है। वो कहते हैं, जब सुशांत पानी की तैयारी कर रहे थे और वो नहीं बनी तो उन्हें बाजीराव मस्तानी ऑफर किया गया था। ये बात संजय लीला भंसाली ने मुझे खुद कही थी, लेकिन वो इस फिल्म को नहीं कर पाए। फिर संजय लीला भंसाली ने उन्हें रामलीला और बाद में पद्मावत में भी रोल ऑफर किया था। आज के समय में संजय लीला भंसाली सबसे बड़े डायरेक्टर है और उनकी 3 फिल्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाए सुशांत। इसके बाद इस बात में कहाँ तक दम है कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें बॉयकॉट कर रहे थे। सुशांत सुभाष झा के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले 1 साल से उनके बीच बातचीत नहीं हो रही थी। सुभाष बताते हैं कि छिछोरे फिल्म के बाद से उन्होंने बातचीत लगभग बंद कर दी थी और ये बात केवल उनके साथ ही नहीं थी, जो भी लोग उनके साथ जुड़े थे वो सबसे कट गए थे और उनके इस बिहेवियर का किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इससे पहले वो बहुत बात करते थे, तरह तरह के प्लान बनाते थे। उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, उनकी इंटरेस्ट फिल्म से बहुत आगे रहा करती थी। पिछले 1 साल में उनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आए। इसके लिए किसी को ब्लेम करना सही नहीं होगा। वो फोन नहीं उठाते थे, फोन करते नहीं थे, फोन नंबर बदल लेते थे। मैंने जब ये बदलाव देखा तो पूछता रहा जिन जिन लोगों को वो जानता था उन सभी से। उन लोगों को भी यही शिकायत थी, वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे। आपको बता दें कि प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने भी सुशांत के बारे में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था और उन्होंने बताया था कि पहले आशिकी टू और फिर सड़क टू की कास्टिंग के लिए उनकी सुशांत से मुलाकात हुई थी और मुकेश को सुशांत अंदर से परेशान दिखाई दे रहे थे। एक इंटरव्यू में मुकेश ने बताया कि उन्हें ऐसा अंदाजा था कि सुशांत के साथ कुछ गलत हो सकता है। इन सभी शॉकिंग खुलासों के बारे में फिलहाल आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूले।